और डाक के माध्यम से स्क्रैच कूपन भेज लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का उद्भेदन पुलिस ने किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरोह के तार बिहार से भी जुड़ने के मामले और अन्य 4 आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। ये रिपोर्ट देखें। रांची पुलिस की सफलता कितनी बड़ी है ये समझने के लिए डीएसपी के टेबल पर पड़े कई दर्जन मोबाइल, एटीएम और दस्तावेज कहने को काफी हैं कि एक बड़ा ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। रांची के जगन्नाथपुर इलाके के कचनार टोली स्थित ब्लू डायमंड अपार्टमेंट में चल रहे स्क्रैच कूपन के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का उद्भेदन पुलिस ने किया। फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का स्क्रैच कूपन स्पीड पोस्ट के माध्यम से झारखंड बिहार समेत देश के अन्य इलाकों में भेजकर ये गिरोह आम लोगों को ठगने का काम करता था। गिरफ्तार 3 आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,39,500 रुपए नकद, 28 मोबाइल, कई बैंक और पोस्ट ऑफिस के पासबुक, 1 दर्जन एटीएम कार्ड और भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए हैं। को जगन्नाथ पुलिस की टीम कचनार टोली स्थित ब्लू डायमंड अपार्टमेंट में एक रेड की। जैसी सूचना प्राप्त थी कि एक कंपनी है वहाँ पे, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लॉटरी कूपन्स के माध्यम से लोगों के साथ में पैसे की ठगी कर रही है। घटनास्थल पे रेड किया गया, वहाँ से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहाँ से बहुत सारे चीज़ें बरामद हुई, जिसमें मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बहुत सारे रजिस्टर्स जिसमें उनके अकाउंट का हिसाब किताब था, पासबुक उनके। वहाँ से गिरफ्तार 3 आदम व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो उनके और 2 अन्य ठिकानों के बारे में जानकारी मिली, जो डिबडी और गंगानगर में है। वहाँ पे भी रेड किया गया, वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में कई ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं जो स्क्रैच कूपन के माध्यम से लोगों से ठगी करते थे, जिसके बाद जगन्नाथपुर थाने की टीम ने छापेमारी की, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। 2013 से अब तक इस गिरोह ने कई लोगों के साथ ठगी की है, जिसकी जांच फिलहाल की जा रही है। वहीं गिरोह का मुख्य सरगना की पहचान बिहार के नालंदा जिले के संतोष गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो गिरोह में कुल 7 लोगों की टीम है और सभी का काम अलग अलग है। पुलिस को इनके पास से एक डेटाबेस भी मिला है, जिसमें कई लोगों के नंबर और एड्रेस दर्ज हैं, और इसी डेटाबेस के जरिए ये लोगों को अपना शिकार बनाते थे। एक पूरी टीम है जो कि अलग अलग जिनको कार्य का बंटवारा किया गया हुआ है। डेटाबेस एक आदमी बनाता है, फोन रिसीव एक आदमी करता है, फोन का रिप्लाई दूसरा एक्सपर्ट करता है। तो ये एक पूरी टीम है 7 लोगों की, जो कि इसमें अलग अलग उनको एक वर्क डिवीजन किया हुआ है और वो अपना अपना काम करते हैं। नहीं, अभी ऐसी जानकारी नहीं मिली है, पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इनका कॉरेस्पॉन्डेंस जो इन लोग डाक के माध्यम से जो अपने कस्टमर से करते थे या फोन के माध्यम से करते थे, ये इनवेरेबली एनवेलप के एड्रेस देखने से लगता है और ये रजिस्टर में जो डिटेल्स मिल रहे हैं उनको देखने से लगता है कि इनवेरेबली हर जगह इन लोगों का बातचीत होता था और हर जगह के लोगों के साथ में लोग फ्रॉड कर रहा था। स्क्रैच कूपन के नाम पर पहले भी रांची पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद किया था। इसी कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस ने जगन्नाथपुर थाने से 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। अब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी रांची पुलिस के लिए चुनौती है, ताकि आगे किसी को इस गिरोह के द्वारा ठगी की घटना अंजाम न दिया जा सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ न्यूज 11 के लिए इमरान की रिपोर्ट।